नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। स्वागत है आपके अपने चैनल में। जो हमारा फेस ब्लैक एंड व्हाइट और बाकी जो कपड़े और गहने कलर होते हैं वो वाला इफेक्ट मैं आपको सिखाऊंगा वेडिंग फोटो पे जो लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप फोटो को ओपन कीजिए, यहाँ डबल क्लिक करके फोटोशॉप में। इस फोटो को मैंने ओपन कर लिया दोस्तों। अब मैं इसको आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे हम एक इफेक्ट लगाएंगे और इसे अच्छा बनाएंगे। तो सिंपल आपको दोस्तों सबसे पहले आपको अपना F7 प्रेस करना है, या विंडो में जाके आपको इसमें लेयर्स पे क्लिक करना है। तो ये इसको एक डबल लेयर बना लीजिए सबसे पहले, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी से। डबल लेयर बनाने के बाद दोस्तों आप सिंपल इमेज में जाइए, एडजस्ट में जाइए और जो ये है ना रिप्लेस कलर, इस पर क्लिक कीजिए आप। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसका शॉर्टकट है जो दोस्तों IAR है। इसका शॉर्टकट है जो IAR दबाएंगे तो ये इसका शॉर्टकट भी खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में सिंपल दोस्तों इसको आप 60 पे रखिए, और अगर आपका यहाँ नेगेटिव हो, सिलेक्शन पे हो, तो आप इमेज पे कर लीजिए इसे क्लिक। आपने इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट पे सर्च है इसका बिल्कुल जीरो कर दीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। अब आप सिंपल पेन टूल से इसको सिलेक्ट कीजिए सबसे पहले, जिस जहाँ आपने इसको इंक्रीज करना है, जो जो अपने जिस अपने टोन को ब्लैक एंड व्हाइट करना है उसको आप सिलेक्ट कीजिए यहाँ से। फिर प्लस टूल है जो देखिए ये वाला, इसके साथ है ना ये रहा, बीच वाले टूल को सिलेक्ट कीजिए और इसके साथ जोड़ते जाइए आप। ये देखिए इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक कीजिए और इसके साथ आप जोड़ते जाइए। अब जहाँ भी आप इस पे कलर क्लिक करेंगे उस कलर पे इसका इफेक्ट होगा, अदरवाइज दूसरे कलर पे नहीं होगा। अब इसको ओके कर दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों आपका जो फेस है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है और कपड़े आपके कलर हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप थोड़ा सा फोटो को आपके फोटो के हिसाब से आप अपने देख लेना, लाइट डार्क का इमेज में, एडजस्ट में और कवरेज से फोटो को थोड़ा सा लाइट कर दीजिए, और इमेज एडजस्ट और ब्राइटनेस कंट्रास्ट, इसका दोस्तों शॉर्टकट आप लेना चाहते हैं तो मेरे शॉर्टकट वाले ऑप्शन में जो एपिसोड बनाया है मैंने उसमें जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, और इस पे आप कंट्रास्ट करके ये ऊपर है जो ब्राइटनेस बढ़ाने का, कम करने या ज़्यादा करने के लिए, और ये कंट्रास्ट को बढ़ाने या घटाने के लिए है। ठीक है, कंट्रास्ट थोड़ा सा कर देते हैं हम और ओके कर देते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपका ये फोटो बहुत अच्छा बन चुका है। अब हम देखेंगे दोस्तों हम इसे एक क्लिक से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आप क्या होता है, कई बार हमारे पास डांस की फोटो या उस पर हमें ये इफेक्ट लगाना होता है तो हम कैसे लगाएंगे। इसके लिए दोस्तों आप विंडो में जाइए और एक्शन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ आप क्लिक करके न्यू एक्शन पे क्लिक करके और यहाँ से आप कोई भी बटन चूज कर सकते हैं। ये ऊपर जो हमारे कीबोर्ड के बटन होते हैं F3, F2, F4, उससे होता है। मैं इसमें F6 है जो चूज करूँगा और ओके कर दूंगा। रिकॉर्डिंग ये यहाँ से हमारी ऑन हो गई है न्यू एक्शन की। तो अब जो भी आप काम करेंगे वो इसमें रिकॉर्ड होता जाएगा। अब दोबारा से आप इमेज एडजस्ट और रिप्लेस कलर पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ क्लिक करेंगे और फिर से आप इस पे जीरो कर दीजिए इसको, और इसके साथ इसको जोड़ते जाइए। जो भी इसमें आप क्लिक करेंगे वो इसमें आपके ऐड हो जाएगा जब आप इसको ओके करेंगे तब। गलत हो जाए तो दोस्तों कंट्रोल जेड के द्वारा आप अंडू कर सकते हैं। ओके, ये देखिए रिप्लेस कलर ऐड हो गया है और आप इसको स्टॉप कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको अंडू करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं सिंपल F6 प्रेस करूँगा तो ये हमारी फोटो पे ये इफेक्ट लग चुका है। इसी तरीके से दोस्तों आप और भी इफेक्ट बना सकते हैं। ब्राइटनेस कंट्रास्ट दोस्तों आप अपने हिसाब से कर लेना, अगर आप वो भी ऐड करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। इमेज एडजस्ट और ब्राइटनेस कंट्रास्ट को ये देखिए दोस्तों हमारी फोटो है जो बहुत अच्छी बन चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों आप इसका अगर लहंगे का कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इमेज एडजस्ट रिप्लेस कलर सेम ही सब कुछ होगा। अगर आप लहंगे के साथ इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप इसको एक बार मैं बंद कर देता हूँ विंडो में लेयर्स को। इसकी पहले आप एक डुप्लीकेट लेयर बना लीजिए, कंट्रोल ए, कंट्रोल
कंट्रोल सी और कंट्रोल वी द्वारा डुप्लीकेट लेयर बना लीजिए। अब हम इसके लहंगे का कलर चेंज करेंगे, इमेज एडजस्ट और रिप्लेस कलर से इसको आप 200 पे कर दीजिए और जो आपने कलर चेंज करना है उस पर क्लिक कीजिए। इस पर आप क्लिक कीजिए, जैसे मुझे रेड पे इफेक्ट डालना है, रेड पे क्लिक करके और आपको जो कलर आपको पसंद हो वो आप इस पर कर दीजिए। ओके, साथ में आप प्लस का निशान जोड़िए और जो आपने उसके साथ कलर करना है उसको आप जोड़ दीजिए। और कलर कोई करना चाहते हैं तो आप और देख लीजिए, ये कलर भी अच्छा है, तो आप कोई भी कलर इसमें इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, अब आप चाहें तो इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक कीजिए, जेपीजी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पीएसडी होगा, जे दबाएंगे डबल क्लिक करके तो जेपीजी हो जाएगा, कोई भी नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं अपने प्रिंट को और ओके कर दीजिए। यहाँ दोस्तों क्वालिटी 2 MB रखिएगा और यहाँ दोस्तों मैक्सिमम पे क्लिक करके रखिएगा, ओके कर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई सुझाव या क्वेश्चन या कोई शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के में। थैंक यू फॉर वॉच मी।